वॉट वॉज द डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, एंड सैलरी, सैलरी होती है तनख्वाह ऑफ डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम का। तो यहां आपको डॉक्टर कलाम का पद लिखना है कि जब वो नियुक्ति उनको हुई तो किस पद पे हुई, दूसरा जिस समय उनकी नियुक्ति हुई उस समय उनकी सैलरी कितनी थी, मतलब तनख्वाह कितनी थी। When जब he joined, उन्होंने ज्वाइन किया या वे शामिल हुए द जॉब, नौकरी में, तो जिस समय अब्दुल कलाम जी नौकरी में शामिल हुए उस समय एक तो आपको बताना है उनका डेजिग्नेशन क्या था, उनका पद क्या था, और दूसरा यह बताना है कि उनका वेतन कितना था। तो पद अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये उनका पद था, और वेतन सैलरी अगर आप उनकी याद करेंगे तो 250 पर मंथ। ये दो चीजें यहां आपसे पूछी है। तो हिज डेजिग्नेशन वाज, क्या उनका जो पद था वो क्या था, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर तो उनकी नियुक्ति हुई थी, एंड हिज सैलरी वाज, और उनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, 250 रुपीज पर मंथ। तो ये आप लिख देंगे RS 250 पर मंथ, यानी 250 रुपए पर मंथ उनको तनख्वाह उस समय मिलती थी। ये 1958 की बात है, हालांकि यहां सन नहीं पूछा गया तो आपको बताना नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बहुत ईजी है, यानी ए पार्ट के इसके सारे ही क्वेश्चन ईजी हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपका यह था कि व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू सेवानंदा आश्रम, क्या वो सेवानंदा जी के आश्रम में क्यों गए, तो आप कह देंगे कि ही वेंट टू सेवानंदा आश्रम, कि वो सेवानंदा जी के आश्रम में गए बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड, क्योंकि वो चाहते थे टू सीक द डाउट, टू सीक द आंसर, सॉरी, क्योंकि वो उत्तर जानना चाहते थे, काहे के टू द डाउट्स, वो डाउट्स के उत्तर जानना चाहते थे, कौन से डाउट्स के, दैट ट्रबल्ड हिम, जिन डाउट ने उनको परेशान कर रखा था उनके, यानी मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी फिर क्या कमी रह गई, वहां ज्यादा क्वेश्चन मेरे पूछे भी नहीं गए, इतने अच्छे प्रश्न भी नहीं आए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो ये कुछ डाउट थे जिनके उत्तर वो जानना चाह रहे थे, इसके लिए वो शिवानंदा जी के आश्रम में गए। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ, वो भी बहुत ईजी है कि उनका डेजिग्नेशन क्या था, तो आप बता देंगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और अगर ये पूछा जाता है कि उनकी सैलरी कितनी थी तो 250 रुपीज पर मंथ। चलिए इसके बाद आपका बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां से क्वेश्चन आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, अभी तक तो बहुत इजी आंसर थे इसके। क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, तो रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब विजय, नॉट अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, तो यहां हो जाएगा प्रभावित किया। तो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट ने क्यों प्रभावित नहीं किया, और किसको प्रभावित नहीं किया, द साउदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्से को ऑफ इंडिया, भारत के। यानी जो धार्मिक जो विवाद थे उनसे जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से पढ़ के आए थे, तो वो अछूता कैसे रह गया। यानी जैसे यहां कभी किसी धर्म ने, कभी किसी धर्म ने आकर के आक्रमण किए, लेकिन ये आक्रमणकारी कभी साउदर्न पार्ट तक क्यों नहीं पहुंचे, क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन का अगर मेन मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाई डिड द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट ये हो जाएगा। अब क्योंकि डिड लगी है तो अफेक्ट का क्या हो जाएगा, प्रभावित करना का हो जाएगा, प्रभावित किया, और रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट ने वाई मतलब क्यों, क्यों प्रभावित नहीं किया, किसको, द साउदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्से को ऑफ इंडिया, भारत के। तो जो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट हुए, जो धार्मिक सम्मेलन हुए, यहां अलग अलग धर्मों के जो लोग आए, तो उन धर्मों में से किसी धर्म ने साउदर्न पार्ट को प्रभावित क्यों नहीं किया,
तो कोई भी धर्म तब प्रभावित करता है जब उसके लोग आकर के यहां बसे। देखिए ऐसा होता है कि पहले जैसे यहां हिंदू लोग रहते थे, मुस्लिम लोग आए, तो कुछ मुसलमानों के जो रीति रिवाज थे, जो संस्कृतियां थी, वो हिंदू धर्म में मिले और कुछ हिंदुओं के उन्होंने भी अपनाए। तो इस तरीके से एक दूसरे ने एक दूसरे के धर्म को अपनाया और स्वीकार किया। लेकिन ऐसा कुछ साउदर्न पार्ट में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो इसका रीजन आपको बताना है। आंसर के वर्ड मीनिंग पहले देख लो। साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत, वाज नॉट अफेक्टेड। ये क्या किया गया हमने, जो डिड था, डिड का पैसे वॉइस लिखा गया कि साउथर्न इंडिया को प्रभावित नहीं किया गया। डिड का पैसिव काय में लिखेंगे अपन, वॉज वर्ब में, और वॉज वर्ब के संग हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो साउदर्न जो हिस्सा था भारत का, तो साउदर्न इंडिया वाज नॉट अफेक्टेड, कि प्रभावित नहीं हुआ या प्रभावित नहीं किया गया। बाई रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, धार्मिक सम्मेलनों के द्वारा या धार्मिक विजय के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि, यानी जो साउदर्न पार्ट था उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, इसका आंसर है क्योंकि। पहला रीजन कि इट वॉज बिहाइंड। इट वॉज बिहाइंड कहने का मतलब कि यह पीछे था। इट मतलब यह का मतलब साउदर्न पार्ट, वॉज बिहाइंड यह पीछे था। द शील्ड ढाल के, शील्ड मतलब ढाल, किसकी ढाल के पीछे था, ऑफ विंध्या। तो जो विंध्याचल का बड़ा पर्वत था, उस पर्वत के ये पीछे पड़ गया ये हिस्सा। और विंध्याचल पर्वत को क्रॉस करना किसी के बूते की बात नहीं थी उस समय। तो विंध्याचल पर्वत इस हिस्से के लिए ढाल का काम कर रहा था। तो ढाल था बिहाइंड, यानी पीछे था। द ढाल शील्ड ढाल के ऑफ द विंध्या, विंध्या के। एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस, सतपुरा की माउंटेन रेंजेस यानी पर्वतीय श्रृंखलाएं। तो सतपुरा की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं थी उसके भी पीछे था। यानी कुल मिला के ये जो साउदर्न हिस्सा था वो दो पहाड़ों के पीछे पड़ता था, विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस। तो विंध्याचल और सतपुरा की जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उनके ये पीछे था, तो इसलिए वो उसके लिए ढाल का काम कर गई। आगे नर्मदा नदी का नाम है, ताप्ती भी नदी का नाम है, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। तो ये वो पांच नदी कौन सी, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती, एक महानदी, एक गोदावरी और एक कृष्णा। इन पांचों नदियों ने, रिवर्स ने, हैड वोवन, बुन दिया। इन पांच नदियों ने क्या किया, बुन दिया था ए नेट, एक जाल। तो जब पांच नदियां जहां इकट्ठी होंगी, जहां समागम होगा पांच नदियों का, तो वो क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो जाएगा समुद्र जैसा। तो इन पांच नदियों ने एक जाल बना दिया, यानी एक जैसे पार करना हर किसी के बूते की बात नहीं थी। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, क्या इन नदियों ने हेड वोबन, बुन दिया ए नेट, एक जाल ऑफ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने करीब करीब, अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन, अभेद सुरक्षा का एक ऐसा जाल बना दिया जो अभेद सुरक्षा हो गई, ऑफ टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। तो जो सकरा पर्वत भारतीय प्रायद्वीप था, जो सकरा क्षेत्र था, टेपरिंग सकरा इंडियन भारतीय और पेनिनसुला प्रायद्वीप, तो सकरे भारतीय प्रायद्वीप के लिए इनने एक अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन बना दिया इन नदियों ने। यानी अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन का मतलब एक अवैध सुरक्षा। तो इस वजह से जो साउदर्न इंडिया था वो प्रभावित नहीं हुआ, कैसे, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट से। तो क्वेश्चन के और आंसर के वर्ड मीनिंग अगर आपके क्लियर है, तो अब इसके बाद आप नोटबुक बंद करके और जो नोट्स हैं आपको उनको डायरेक्ट बोर्ड से देखें, जिससे कि आपको थोड़ी देर में लर्न हो जाएगा। यानी आपको सीधे सीधे पहले दिमाग में यह बताना है कि साउदर्न इंडिया जो हिस्सा था भारत का, जो दक्षिणी हिस्सा था, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से बुक में बताया है, वो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट से कैसे बच गया, धार्मिक उन्माद वहां तक क्यों नहीं पहुंचा।
तो इसके दो रीजन थे, पहला रीजन तो ये सतपुड़ा और विंध्या, विंध्याचल और सतपुड़ा का जो माउंटेन रेंजेस था, जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, उसके ये पीछे था, तो वो उसकी ढाल बन गए। तो आप डायरेक्ट करेंगे बिकॉज इट वॉज बिहाइंड, प्रभावित नहीं हुआ इतना तो क्वेश्चन से लिख देंगे, डायरेक्ट आप कारण बताएंगे बिकॉज क्योंकि, प्रभावित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इट वॉज बिहाइंड, क्योंकि ये पीछे पड़ गया, पीछे आ गया किसके, द सील्ड ढाल के। तो कौन सी ढाल के पीछे आ गया, तो बिकॉज इट वॉज बिहाइंड द सील्ड, क्योंकि ये ढाल के पीछे आ गया ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, के विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं के ये पीछे हो गया, और इसलिए यहां तक कोई भी धर्म का जो व्यक्ति था वो नहीं पहुंच पाया। आंसर कोई भी हो, पहले आप उस आंसर को एक बार हिंदी में जरूर समझ लीजिए, यानी आंसर आपको डायरेक्ट इंग्लिश में याद नहीं हो तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप हिंदी में तो उसका उत्तर दे ही पाए, अगर आप हिंदी में उत्तर दे पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी लर्न हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम हिंदी को भूल जाते हैं और दोष अंग्रेजी को देते हैं, जैसे हमसे कोई बात पूछी गई हम उसका उत्तर हिंदी में अगर दे पाएंगे तो इंग्लिश आपको जरूर याद आएगी। तो क्वेश्चन था आपका कि व्हाई डिड द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट नॉट अफेक्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप लिख देंगे जो इसका एक्टिव था इसमें पैसे में लिखेंगे कि साउदर्न इंडिया वाज नॉट अफेक्टेड, कि साउदर्न इंडिया प्रभावित नहीं हुआ बाय रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, धार्मिक विजय से, बिकॉज क्योंकि, इसका रीजन क्या बताएंगे, बिकॉज इट वॉज बिहाइंड, क्योंकि ये पीछे था ऑफ द सील्ड ढाल के ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, के विंध्याचल और सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं थी, पहाड़ी श्रृंखलाएं थी, उनके ये पीछे था। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ये पांच नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, रिवर्स ने, कि इन पांचों नदियों ने हेड गोबन, इन नदियों ने जाल बना लिया। कौन कौन सी नदियां, कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, के इन नदियों ने हेड गोबन, बुन दिया अ नेट, एक जाल बना दिया ऑफ ऑलमोस्ट करीब करीब अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन, एक अवैध सुरक्षा का जाल बना दिया। यानी इन पांचों नदियों ने एक अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन का नेट बना दिया, इन नदियों ने क्या किया कि अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन दे दिया। तो पहला रीजन उसका क्या था कि बिकॉज इट वॉज बिहाइंड, क्योंकि ये पीछे था द सील्ड ढाल के ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। दूसरा रीजन क्या था कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हेड बोबन अ नेट, कि इन नदियों ने एक जाल बना दिया काय का, ऑफ अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर सही करेंगे तो स्पेलिंग बहुत ईजी है, ऑफ ऑलमोस्ट करीब करीब अन असाय लेवल, अन अलग कर दीजिए, असाय लेवल, ए डबल एस ए आई, असाय लेवल, अन असाय लेवल प्रोटेक्शन ऑफ कैसे, टेपरिंग इंडियन पेनिशुला, वो जो क्षेत्र था वो सकरा प्रायद्वीपी भारत था, तो सकरे प्रायद्वीपी भारत के खिलाफ यानी भारत के लिए एक अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन बना दिया, इसलिए वो हिस्सा अलग हो गया या वो हिस्सा अछूता रह गया कैसे, रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट से, यानी जो रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट थी वहां तक नहीं पहुंची, यानी अलग अलग धर्मों के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। एक बार पूरे आंसर को फिर से देखिए, क्वेश्चन आपका समझ में आई गया होगा कि वाई डिड द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट नॉट अफेक्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब आप कह देंगे बिकॉज क्योंकि, डायरेक्ट आप बिकॉज से करिए, तो क्यों, इसका कारण क्या था, हिंदी में आपको उत्तर याद होना चाहिए, इसका रीजन जो है वो आपको हिंदी में याद होना चाहिए। हिंदी में उत्तर क्या है आपका, कि जो विंध्या और सतपुड़ा जो पर्वत थे, उसके जो पहाड़ी जो श्रृंखलाएं थी, उन्होंने इनके लिए ढाल का काम किया। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कि बिकॉज इट वॉज बिहाइंड, क्योंकि ये पीछे था, आगे पड़ गए विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन और ये उसके पीछे पड़ गया, तो इसलिए वहां तक लोग नहीं पहुंचे। तो बिकॉज इट वॉज बिहाइंड द सील्ड, क्योंकि ये सील्ड के पीछे था
कौन सी ढाल के पीछे था ये? ढाल के पीछे कोई चीज होगी तो उस पर वार नहीं होगा। तो बिकॉज इट वॉज बिहाइंड द शील्ड ऑफ बिंदिया एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस। इसके बाद दूसरा जो रीजन था वो भी समझिए कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने जाल बना दिया, जाल बना दिया था। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हेड बोबन, क्या इन्होंने बुन दिया था अ नेट, एक जाल काय का, सुरक्षा का जाल ऑफ अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन। कैसी सुरक्षा का? अवैध सुरक्षा का जाल, और कैसे? ऑफ टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला, कि टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला से अवैध सुरक्षा का इन्होंने एक जाल बना दिया। इसलिए साउदर्न इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाई रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट। इसलिए साउदर्न इंडिया जो था, कि जो प्राय दक्षिणी भारत जो था, वॉज नॉट अफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं हुआ बाई द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट। तो आंसर आपका इतना टिपिकल नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा करना है। इसमें आपको हल्का सा दिमाग में यह रखना है कि दो बातों की वजह से लोग यहां तक नहीं पहुंचे। एक तो पहली बात जो थी वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के ये पीछे था, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ने इसके लिए ढाल का काम किया। तो इसे लिख देंगे बिकॉज इट वॉज बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। और दूसरा यह था कि नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हेड बोबन, इन्होंने बुन दिया था ए नेट, और वो नेट काय का काम किया कि वो एक अवैध सुरक्षा बन गई ऑफ अनअसाइलेबल प्रोटेक्शन ऑफ टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। क्लियर।